नमस्कार दोस्तों, आज आए हैं हम एक वीडियो बनाने जो कि उन कस्टमर्स के लिए है जो प्रॉपर्टी मार्केट में निवेश के लिए या अपना घर लेने के लिए देख रहे हैं। तो हमने उसमें दो कैटेगरी में इसको बनाया है, एक है प्राइमरी मार्केट जो आप बिल्डर के थ्रू खरीदते हैं, एक है सेकेंडरी मार्केट जो कि रीसेल जिसे हम कहते हैं। तो आज हम विस्तार से जानेंगे कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे करना चाहिए। प्राइमरी मार्केट के लिए मेरे साथ में हैं मिस्टर गौरव तिवारी जो बताएंगे कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यस मिस्टर गौरव, थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, डिस्कशन है छोटा सा, बिकॉज जैसा कि शुक्ला जी ने कहा, काफ़ी सारे लोग हमें फ़ोन करते रहते हैं और वो चीज़ें पूछते हैं। देखिए, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको तो पता है कि क्या क्या चीज़ें हैं प्रोसेस में, लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं या फर्स्ट टाइम खरीद रहे हैं, उनके दिमाग में कई टाइम डिलेमा रहता है, कश्मकश रहती है, जद्दोजहद रहती है कि प्रोसेस क्या है। तो जो स्टैंडर्ड प्रोसेस उसके बारे में बात करेंगे। दो तरह की देखिए प्रॉपर्टी होती है इन्वेस्टमेंट मोटे मोटे तौर पर, अगर हम देखें प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी का मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा सेकेंडरी शुक्ला सर बताएंगे। प्राइमरी का मतलब होता है वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो बिल्डर के पास है, डेवलपर के पास है, वो प्लॉट हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, हाई स्ट्रीट, आपकी रिटेल कॉम्प्लेक्स, एनीथिंग जो बिल्डर के पास है। आपको क्या करना है उसके अंदर, बिल्डर से ही सारी चीज़ों की डील करनी है, उसमें सेकंड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। थोड़ा सा आपके लिए भी उसमें सहूलियत हो जाती है, काफ़ी सहूलियत हो जाती है। ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं प्राइमरी में इन्वेस्ट करना, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं हम बिल्डर से डील कर रहे हैं, हम किसी और से डील नहीं कर रहे हैं। बिल्डर के साथ देखो काफ़ी प्रोफेशनलिज्म भी रहता है, यहाँ पे आपने बुकिंग अमाउंट देना होता है, फिर आपका 2 साल 3 साल या 4 साल का जितना भी टाइम, बिल्डर अलग अलग डिपेंड करता है प्रॉपर्टी को बनने में, आपको उसमें पेमेंट टाइम भी मिल जाता है। बिल्कुल, दो चीज़ें इसमें होती हैं, जैसे बैंक लोन है, बैंक लोन तो आप 20 साल तक भरते रहेंगे, लेकिन किसी के पास अगर सेल्फ फंडिंग है तो उसमें भी इसमें अलग अलग तरीके के आपको पेमेंट प्लान मिल जाते हैं। नॉर्मली आजकल 50-50 चल रहा है, 30-70 चल रहा है, 70-30 तरीके का चल रहा है। इसमें आपको बिल्डर से लेने में ज़्यादा चीज़ों का ध्यान नहीं रखना पड़ता, क्योंकि एक प्रोफेशनल बिल्डर है, उसको सारी चीज़ें पता है कि कैसे क्या करना होता है। इसके अंदर आप 2-3 चीज़ें ज़रूर देखें, मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। सबसे पहले तो बिल्डर का बैकग्राउंड ज़रूर देखो। बिल्डर के बैकग्राउंड से मतलब है कि अगर बिल्डर नया नहीं है, नया है तो वहाँ पे ज़रूर एक क्वेश्चन मार्क रहता है कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा। लेकिन ज़्यादातर बिल्डर, अगर हम नोएडा एक्सटेंशन की बात करें जहाँ पे हम खड़े हैं, तो उन्होंने जो बनाया हुआ ऑलरेडी डिलीवरी दे रखी है, उसमें क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा उसका मेंटेनेंस, जिस पे लोग ध्यान नहीं देते, बनाया कैसा है, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, अगेन आई एम रिपीटिंग, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छा बना दो तो आप इन्वेस्टर हो तो अच्छा बिकता है, और अगर आप एंड यूज़र हो तो ऑब्वियसली हर आदमी चाहता है घर हो, उसमें सीलन ना हो, सारी चीज़ मेंटेन हो। और मेंटेनेंस अगर अच्छा है तो भी आपको रेंटल भी बहुत अच्छा इसके अंदर मिलता है, ये दोनों चीज़ें देखनी होती है। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो आजकल देखो नई टेक्नोलॉजी के साथ माई वन में, नई तो नहीं है, काफ़ी पुरानी हो गई, लेकिन अब बिल्डर इसको अडाप्टिव कर रहे हैं दो रीज़न की वजह से। पहला तो प्रोजेक्ट बहुत डिले हो रहे थे, जब से रेरा आया ना लोगों को पता है कि अगर मैंने लेट किया तो दिक्कत होनी है। और इसके अंदर क्या होता है, माइवन के अंदर देखो स्टील फ्रेमवर्क जो होता है, एल्युमिनियम फ्रेमवर्क के अंदर बनाते हैं, स्ट्रक्चर बहुत मजबूत बनता है, फिनिशिंग बहुत शानदार आती है, सीपेज वगैरह की प्रॉब्लम भी ना के बराबर है, कैल्जियन नहीं होती है। इशू इसके अंदर एक छोटा सा ज़रूर आता है कि आप इसमें ऑल्ट्रेशन वगैरह नहीं कर सकते, जो रेड ब्रिक से बनता है, एश ब्रिक से बनता है, उसके अंदर तो आप ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, किसी को कुछ तोड़ फोड़ करनी है, यहाँ पे वो नहीं होता है। तो बिल्डर का भी फायदा है इसके अंदर, और बिल्डर के साथ साथ इसमें एंड यूज़र जो है उसका भी फायदा, दोनों का। लेबर कम लग रही है बिल्डर की, टाइम बच रहा है, टाइम इज़ मनी आज के टाइम पे, जल्दी बना के देना ताकि पेनल्टी वगैरह ना लगे, ये सारी चीज़ें। दूसरा आप देखो इसके अंदर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन वो तब आती है जब पोजेशन टाइम पे आ रहा होता है। मुझे लगता है यही सारी चीज़ें, आप इसमें कुछ अगर ऐड करना चाहे तो प्राइमरी के अंदर। हम इसमें बेसिकली एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, हम देखते हैं कि बैंक लोन कौन कौन बैंक प्रोवाइड कर रहा है। एग्जैक्टली, मैं खाली ये सलाह दूंगा कि जब भी हम, चाहे वो रीसेल की प्रॉपर्टी हो चाहे प्राइमरी प्रॉपर्टी हो, अगर हमें लोन नहीं भी लेना तो हम थोड़ा लोन ले लें, जिससे कि सबसे बेस्ट जो वेरीफिकेशन कर सकता है वो बैंक कर सकता है, बैंक उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है तभी उसमें फंडिंग करता है। क्योंकि मैंने देखा अमूमन ज़्यादातर जो बिल्डर हैं जिसमें बैंक लोन नहीं हो रहा, ट्रस्ट मी कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसके अंदर इशू है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। देखो बैंक तो लोन देने बैठा है ना, वो प्रोफेशनल है, वो तो बैठे हैं कि हमें लोन देना है, आपको काम करना है, लेकिन अगर लोन नहीं हो रहा है किसी वजह, तो कुछ ना कुछ ज़रूर इशू है। तो ये अच्छी चीज़ है कि आप थोड़ा सा ले लें, 2 लाख 4 लाख 5 लाख ले लें बैंक, मैं भी ये सलाह देता हूँ, बैंक में लोन आप लोन ज़रूर ले लें। ये सारी आई थिंक प्राइमरी मार्केट की बात। बिल्कुल, अब हम बात करेंगे नंबर 2 सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट जो हम यूजुअली अपने शब्दों में बोलते हैं रीसेल, रीसेल को लेके कुछ लोग डरे रहते हैं कि क्या चीज़ें होंगी, कौन क्या है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, हमें ये देखना होता है कि जो हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो किस व्यक्ति से ले रहे हैं। इसमें दो कैटेगरी आ जाती हैं, एक होता है रेजिडेंट जो इंडियन है, सेकेंड वन होता है एनआरआई जो विदेश में है। उसमें भी लॉ ये कहता है कि जो 6 महीने या उससे अधिक समय से बाहर है उसको हम एनआरआई काउंट करते हैं।
उसमें टैक्सेशन का अलग प्रोसेस है, रेजिडेंट में अलग है। मैं पहले रेजिडेंट का बताता हूँ। रेजिडेंट में क्या होता है, उसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, जिससे बायर का कोई लेना देना नहीं होता। अगर वो प्रॉपर्टी 50 लाख या 50 लाख से अधिक की है तो हमें 1% TDS डिडक्ट करके, एज ए बायर मैं क्या करूँगा, सेलर का 1% TDS डिडक्ट करके मैं सेलर के पैन नंबर पर जमा करूँगा। 50 लाख से ऊपर, 50 लाख और 50 लाख से ऊपर है तो अब वो क्या करेंगे, नेक्स्ट जब फाइनेंशियल ईयर में अपना रिटर्न भरेंगे, TDS का मतलब हुआ टैक्स एट द सोर्स, हमने एडवांस में टैक्स डिपॉजिट कर दिया है भारत सरकार को। अब जब मैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एज ए सेलर मैं रिटर्न भरने जाऊंगा, मैं देखूंगा मेरा कैपिटल गेन हुआ है नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो मैं उसे पे कर दूंगा। सेकेंड आ जाते हैं NRI पे, तो NRI केस में क्या होता है, उसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है वो ये कहती है कि टैक्स अगर एडवांस हमें पे करना है तो वो 22% अप्रॉक्स टैक्स होता है, जो कि बहुत ही अधिक होता है टोटल वैल्यू का NRI केस में। तो उस केस में हमें क्या करना होता है कि एक होता है टैक्स डिक्लेरेशन, बिल्कुल हम एडवांस में जो नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है नेक्स्ट फाइनेंशियल में भरेगा, इसमें हम क्या करते हैं एडवांस में हम कैलकुलेशन कराते हैं पर्टिकुलर टैक्स डिपार्टमेंट से, वो एक टैक्स सर्टिफिकेट देता है जिसे बायर जो है अपना 10 नंबर वो करा के इशू करा के उसके पैन कार्ड पे जमा करेगा, सीए करेगा, बेसिकली सीए करेगा, वो एक्सपर्ट होते हैं जी, वो करते हैं। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट लेवल पे, जिसे नॉर्मली हम कहते हैं, मैं किसी भी बायर को अपने कहता हूँ कि अगर आप नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन या यमुना पे कोई भी प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो इधर 3 लेयर ऑफ सेफ्टी है बायर के लिए। क्या है फर्स्ट, क्या है फर्स्ट है आपकी NOC लेनी होगी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से, पर्टिकुलर जो भी सोसाइटी का हम फ्लैट खरीद रहे हैं हमें एक मेंटेनेंस से NOC लेना होता है कि अप टू डेट है जो भी, ये रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड दोनों केसेस में? नहीं नहीं, ये आपका बेसिकली अनरजिस्टर्ड जो केस है उसमें नहीं लागू होता, जो रजिस्टर्ड केस है उसके लिए रजिस्टर्ड फ्लैट की बात। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं सेकंड में। सेकंड में हमें जो भी बिल्डर का भी प्रोजेक्ट हम बात करें कोई भी अक्रॉस नोएडा नोएडा एक्सटेंशन, हमें सेल NOC लेना होता है जिसका पर्टिकुलर चार्ज होता है जो कि सेलर पे करता है जी। वो बिल्डर क्या लिख के देता है अथॉरिटी को कि आज तक इनका कोई भी पेनल्टी इंटरेस्ट कोई भी प्रीवियस पेमेंट ड्यू नहीं है, ड्यू नहीं है, उसको NOC को लेके हम जाते हैं अथॉरिटी, वो अपना पे करेंगे और तभी वो NOC मिलेगी। उस NOC को लेके हम जाते हैं अथॉरिटी, वहाँ हम अप्लाई करते हैं ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं TM। TM का जो चार्जेस है वो बायर पे करता है। लेके सर मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, TM को लेके बड़े सारे लोग पूछते हैं ये नया क्या आ गया TM? नहीं, नया कुछ नहीं, ये जो भी प्रॉपर्टी आप नोएडा नोएडा एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा यमुना पे लेते हैं ये सब प्रॉपर्टी लीज होल्ड है। हाँ, ये सब लीज होल्ड है। तो हमें सबसे पहले लीज ट्रांसफर का रिक्वेस्ट लगाना होता है, जिसे बेसिकली ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम कहते हैं, जिसका अथॉरिटी ने सर्टन चार्ज रखा हुआ है। अगर मैं फ्लैट की बात करूँ तो फ्लैट पे जो है 600 रुपया मीटर, 100 मीटर से जो भी अधिक का प्लॉट होगा आपका फ्लैट होगा उस पर लगेगा, और जो 100 मीटर से कम का होगा उस पर जो है आपका 500 रुपये मीटर लगेगा। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हम सबमिट करते हैं कंसर्न अथॉरिटी में, जो जो जहाँ का भी फ्लैट है वहाँ सबमिट करते हैं। वो क्या करते हैं थर्ड लेयर और सेफ्टी क्या है, अथॉरिटी कंसर्न अथॉरिटी करेगी, आपका वो फाइल निकालेंगी, आपने प्रीवियसली कभी भी कोई लोन लिया है और बंद भी कर दिया तो भी वो अथॉरिटी उसका बैंक सारी जानकारी होती है, NOC, हाँ बिल्कुल, वो वेरिफिकेशन है, जो कि एक अच्छा पॉइंट होता है बायर के लिए। वो हम जब उनको वहाँ देते हैं वो हमें देते हैं ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम, जो कि वैलिड होता है 90 दिनों के लिए। अगेन एक क्वेश्चन होता है कि कई बार सेलर कहते हैं मेरा तो ट्रांसफर हो गया, मेरी तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर, मैं पूछने वाला था आपसे, कहते हैं कि मैं तो दे दिया ट्रांसफर, मेरा तो ट्रांसफर हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, वो ट्रांसफर वैलिड है 90 डेज के लिए, 90 डेज में आपको एग्जीक्यूट कराना है और कंसर्न अथॉरिटी को रजिस्ट्री सबमिट करानी है। अब हमारा तीनों पेपर आ गया, ये हम देते हैं बैंक को जी। बैंक क्या करता है, फिजिकली पहले फ्लैट का वेरीफाई करता है, लीगल करता है और टेक्निकल करता है कि जो भी हमने साइज लिया है वो साइज वही है, और कंसर्न अथॉरिटी में जाके वो अपना जो चैन डॉक्यूमेंट है उनको चेक करके एक रिपोर्ट सबमिट करता है, जो किसी भी बैंक का थर्ड पार्टी लॉयर फर्म होती है जो सबमिट करती है। ये सारी चीज़ें जब हम बैंक को देते हैं तो बैंक फिर उसके बाद डिसबर्समेंट करती है अपना जो बायर को बुला के उनका DD प्रिपेयर करा। आफ्टर दैट फिर जो चीज़ें हैं जब आपका दोनों पार्टी का समय है, हाँ जी, हाँ जी। वो वहाँ पहुँचते हैं। इसके अलावा जो चार्जेस हैं एक चीज़ और रहती है कि आपका स्टैम्प ड्यूटी जाता है 5% जी, जो अगेन लोग कई पूछते हैं कि महिला है तो क्या होगा पुरुष है तो क्या होगा, यहाँ पे सिंपल है कि अगर आप फर्स्ट आप फर्स्ट अलॉटी हैं तो आपको 10,000 रुपए का खाली छूट होता है महिला होने पे, मतलब बेसिकली कोई छूट नहीं है, कोई छूट नहीं है महिला पुरुष, मतलब आप ये कह सकते हैं गौतम बुद्ध नगर प्राधिकरण जो है सबको एक आंखों से दिखता है, कोई उसके लिए अलग अलग नहीं है, अच्छी बात है, मतलब कोई किसी को स्पेशल वो नहीं है। इसके अलावा 1% रजिस्ट्रेशन चार्ज जाता है, 6% हो गया
जिस लॉयर को हम हायर करते हैं उनका एक सर्टन फीस होता है, इस ये सारी चीजें होती हैं जो कंप्लीट सेकेंडरी मार्केट के लिए आपका। तो मुझे लगता है कोई ऐसा डरने की भी जरूरत कोई तो आई थिंक कोई डरने की जरूरत इसके अंदर नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना कि बिल्डर से मिल जाए तो ले लो, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, देखो बिल्डर से मिल जाए तो बहुत अच्छा है। जैसे मैंने प्राइमरी समझाया, सेकेंडरी आप सुनोगे आप कहोगे क्या तामझाम है। देखो तामझाम कुछ नहीं होता, हर चीज के अंदर एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को पकड़ के चलोगे कोई टेंशन नहीं आएगी। लोग चाहते हैं बिल्डर से लेना कि प्राइमरी में ले ले, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी में कभी भी आप देखना रेट का फर्क आता है। आई थिंक 15-20% तक आता है। एक प्रॉपर्टी आपको अगर 1 करोड़ की बिल्डर दे रहा है तो मुझे लगता है सेकेंडरी में उससे भी बड़ा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। उससे बड़ा पॉइंट क्या होता है, एक प्राइस पॉइंट तो है। हाँ, प्राइस पॉइंट है। सेकंड जो सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है कि आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हो जो अभी ग्राउंड पे नहीं है। एक प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूँ जिसकी मैं बालकनी में जाता हूँ, धूप आ रही है कि नहीं आ रही, पार्क कैसा दिख रहा है, ओपन स्पेस जो बिल्डर ने प्रॉमिस किया था वो दिया है कि नहीं दिया है। आपके हम जो जहाँ खड़े हैं ये देखिए ना, गौर सौंदर्य में, गौर सौंदर्य का जो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डबल का फर्क है। प्राइमरी बिल्डर ने सेल किया है 4,000 रुपये में, आज हम 6,000-8,000 रुपये स्क्वायर फीट की बात कर रहे हैं। क्यों वो दे रहा है, पर्टिकुलर बायर इसलिए दे रहा है। सेकेंडरी में एक नुकसान ये भी हो गया कि रेट बढ़ गए हैं। हाँ, पर आप क्या ले रहे हो, आप पीस ऑफ माइंड के लिए ले रहे हो जी। आपने जब कम पैसा दिया, इंस्टॉलमेंट में दिया प्राइमरी मार्केट में, आपने एक विश्वास किया किसके ऊपर, बिल्डर के ऊपर एक विश्वास किया कि जो उसने प्रॉमिस किया, इसलिए आपने बताया कि पास परफॉर्मेंस देख सकते हैं। हां, नक्शे में आप बहुत सही चीज, तो सेकेंडरी मार्केट हमारा सिंपल है कि हमने चीजें जो देखी हुई है। पैसा क्यों मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, पीस ऑफ माइंड के लिए। जो मैं धरातल पे देख रहा हूँ, जिस फ्लैट में मैं खड़ा हूँ, मैं वो खरीद रहा हूँ। दूसरा, लोगों को बड़ा डर हो गया बीच में कि बिल्डर पोजीशन देगा नहीं देगा। हाँ, तो लोग कहते हैं जो बना हुआ है मेरे पास बड़ा, लोग कहते हैं कि जो बना हुआ है ना, जिसकी चाबी है भैया वो दे दो, हम रजिस्ट्री करा ले, टीएम करा ले हम अपने घर के अंदर, भले हम 3 BHK ला लेंगे, 2 BHK ले लें, ये भी चल रहा है बड़ा। मुझे लगता है कि हमने सारी चीजों को कवर करा है। ये छोटा सा एक प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का ये डिस्कशन था। और भी बहुत सारे आपके हो सकता है क्वेश्चन हो, आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम इसके अंदर बात कर सकते हैं, रिप्लाई देंगे इसमें। आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे, बहुत जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो में। चलिए, थैंक यू थैंक यू।